सीआईडी और कमांडो सीसी बहुत बड़ा धमाल होने वाला है. फॉर मी इट्स अ वेरी बिग हाई एंड इट्स अ ग्रेट ऑनर बिकॉज हम लोग एक्शन, जैसे लोग बोल रहे हैं कि सिनेमा का टेलीविजन का सबसे बड़ा एक्शन होने वाला है ये, और जो हम लोगों ने कल शूट किया है और हम लोगों ने एडिट देखा है वो बहुत धमाकेदार है. और मैं बहुत खुश हूँ कि हम सीआईडी पे कर पा रहे हैं क्योंकि सीआईडी से बड़ा एक्शन कोई करता नहीं है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इसका हिस्सा बन पाया हूँ. विद्युत हर जगह रियल ही करता है और अभी तक एक्शन रियल ही हो रहा है, एंड कमांडो इस समय सीआईडी में आके एक्शन को दूसरे लेवल पे ले जाएगा. पूर्वी घूम हो चुकी है और सब लोग उसको ढूंढ रहे हैं, इल्ज़ाम मुझ पे है, मगर बाद में मैं सीआईडी की टीम के साथ मिलकर पूर्वी को ढूंढता हूं. और इसमें आप एक्शन देखेंगे, इसमें आप काफ़ी इमोशन देखेंगे और आप देखेंगे कि हमने धमाल कैसे किया है. ना ही सीआईडी ना ही कमांडो कभी भी ड्रग्स रैकेट के साथ जुड़ सकते हैं, तो मैं जुड़ा नहीं हूँ, मगर हम लोग जितने भी देश के दुश्मन हैं उनको ढूंढ रहे हैं और ढूंढ के दिखाएंगे आपको. एज एन एक्टर मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम लोग इस मूवी को किसी भी तरह ऑडियंस तक पहुँचाएँ, और जो भी प्रोड्यूसर चाहते हैं एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर मेरा कर्तव्य है कि मैं उनका साथ दूँ. सो उनको अगर लगता है इम्पॉर्टेंट है तो इम्पॉर्टेंट है, मगर मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं एक सीआईडी व्यूअर होने के बावजूद, जो मैंने इतने सालों से सीआईडी को देखा है, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इसका हिस्सा बन पा रहा हूँ. चाहे वो कोई भी रीज़न हो, चाहे वो प्रमोशन के लिए हो, चाहे वो मेरी किस्मत हो, मैं बहुत खुश हूँ कि हम कमांडो और सीआईडी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं. और दुनिया बहुत एक्साइटेड है, मैं बच्चों से मिलता हूँ जिनको भी खबर मिली है कि हम लोग सीआईडी में कर रहे हैं काम, वो मुझे मिलकर बहुत खुश होते हैं, मुझसे पूछते हैं कि दया सर कितने बड़े हैं, आपसे ज़्यादा बॉडी है, तो इन सवालों के जवाब देने में मुझे बहुत मज़े आ रहे हैं. मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, मैं एक मार्शल आर्ट करता हूँ जिसे कहते हैं कलरी पाइट, और हमें हिंदुस्तान के अलावा इंटरनेशनल मीडिया ने भी बहुत सपोर्ट किया. हॉलीवुड एक्शन डायरेक्टर्स हमें फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के ज़रिए हमारे को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक्शन बहुत अच्छा है. और सो मैं बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि मैं एक हिंदुस्तानी होकर हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. हर लोग अब हर आदमी देख के बोलता है कि एक्शन हम लोगों ने दूसरे लेवल पे ले गए हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ. ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि विमेन आर 100% सुपीरियर देन मैन इन एवरी फॉर्म, और दे कैन स्टैंड अप फॉर देमसेल्व, और हर महिला अपने लिए एक पुरुष से ज़्यादा अपनी सुरक्षा कर सकती है, तो उनको किसी का वेट नहीं करना चाहिए, उनको अपने अंदर बिलीफ रखना चाहिए. एंड If anybody, if it's a man or a woman, if they believe in themselves and they can stand up for themselves, the whole world will stand for them. दरअसल मेरी ये राय इस समय ये है कि मैं इतनी अच्छी स्पेस में हूँ, मैं एक्टर हूँ, और ना ही मैं प्रोड्यूसर्स की तरह सोचता हूँ, ना ही मैं फ्रांसिस की तरह सोचता हूँ, ना ही मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरह सोचता हूँ. सो मैं एज एन एक्टर बहुत खुश हूँ जो मैंने देखा है कमांडो का, और अब 12 अप्रैल को जब कमांडो रिलीज़ होगी तो मैं देखता हूँ कि रिजल्ट क्या आता है. टेलीविजन में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला होगा पहले, जो मतलब जो एक्टर जिस चीज़ में माहिर है उसको वही करना चाहिए. और विद्युत एज अ स्टंटमैन, एज अ एक्शन हीरो बहुत ही वंडरफुल है. आज तो शूटिंग का फोर्थ डे है, आज हम वो सीक्वेंस शूट कर रहे हैं. यहाँ पे पहली बार हमको पता कंप्लेंट आता है और हम विद्युत को अरेस्ट करने के लिए यहाँ पे आते हैं, तो पता चला वो छत पे रहता है सोसाइटी के, तो वहाँ पर जाता है, वो अपना मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रहा है, वहाँ पे हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं बट चकमा दे के निकल जाता है वो. ऐसा कुछ है, एक्शन करना इज़ ए टोटली डिफरेंट बॉल गेम, और बींग ए स्ट्रॉन्ग मैन इज़ ए डिफरेंट थिंग. अब प्रमोशन ऑफ कमांडो है विच इज़ अगेन समथिंग लाइक सीआईडी, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, ये कमांडो है जो मोर लाइक पुलिस फोर्स में ये है. तो अगर प्रमोशन ऑफ कमांडो होता है तो इससे अच्छा शो कोई हो नहीं सकता, सास बहू में जा नहीं सकती ये लोग. तो आई थिंक सीआईडी कॉम्बो विद कमांडो फॉर द प्रमोशन इज़ अ एप्ट थिंग.